फ्रेंड, आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर थर्ड सब्ट्रैक्शन के कुछ सम्स आपको बताएंगे। कल भी हमने आपको सम्स बताए थे, वो कैरी वाले थे जो माइनस करने थे सब्ट्रैक्ट में। आज हम आपको सब्ट्रैक्ट एंड चेक द आंसर बाय सुटेबल एडिशन वाले सम्स कराएंगे। इसमें जो है हम अब सब्ट्रैक्ट के यानी माइनस के जो सवाल हैं उनको ऐड करके चेक करना है कि वो हमारा आंसर सब्ट्रैक्ट का राइट है या नहीं, सही है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे, आइए हम फॉर एग्जांपल समझाते हैं। पहले आपको मान लीजिए हमारे पास 8, 7, 3, 4 ये है हमारा सम्स है। हमारे पास माइनस करना है हमको इसको, 7 में से हम 4 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, 8 में से 3 माइनस गए तो यहाँ पे आया 5, 53 हमारा आंसर। अब इसको हम ऐड के द्वारा चेक करेंगे, ऐड यानी एडिशन यानी प्लस करके चेक करेंगे कि सब्ट्रैक्ट का आंसर हमारा राइट है या नहीं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमारा सब्ट्रैक्ट का आंसर आया वो डिजिट लिखेंगे 53, और हमें सब्ट्रैक्ट की छोटी डिजिट लिखनी है। छोटी डिजिट कैसे, ये 87 है और ये 34 है, तो 87 से 34 ज्यादा है कम है, सॉरी 87 ज्यादा है और 34 कम है, तो छोटी डिजिट हमारी कौन सी हुई 34। इसको हम लिखेंगे यहां, अब इनको हम प्लस करेंगे 3 और 4 7, 5 और 3 8। अब देखिए ये हमारा प्लस करके जो आंसर आया वो हमारी इस बड़ी डिजिट से मैच हो रहा है, हो गया ना, यानी जो सब्ट्रैक्ट की बड़ी डिजिट है उससे ऐड करने पर हमारा 87 आया, ये आंसर आया, यानी ये दोनों मैच हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा सब्ट्रैक्ट का आंसर राइट है, यानी सब्ट्रैक्ट का जो सम्स का आंसर आया वो हमारा सही है। ये हमें प्लस से चेक करके हमारा आंसर हमें मालूम हो गया। समझ में आ गया बच्चों? अब हम इसी तरीके से कुछ सवाल आपको करवाते हैं, आप ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में और बुक में फिल करेंगे, ठीक है। ये आपके बुक में है, इनको आपको जिन बच्चों ने बुक परचेज कर ली है वो बुक में करेंगे और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक में फिल करेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, और सम्स है इसका पहला यानी क्वेश्चन नंबर सी का ए। सम्स है 1000, 100, 10 और 1, तो 7600, 510, 31, ठीक है, एंड 7000, इसको हमें माइनस करना है। थ्री में से जीरो को माइनस करेंगे, जीरो कोई डिजिट होती नहीं है, यानी कि इस थ्री की थ्री आ जाएगी यहां। फाइव में से जीरो माइनस होगा नहीं, जीरो कोई डिजिट ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम 5 को एज इट इज लिख देंगे। ऐसे ही 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा क्योंकि यहाँ कोई डिजिट नहीं है, जब कुछ माइनस ही नहीं किया हमने तो हम यहाँ पे आएगा ही क्या, इसीलिए हम एज इट इज 6 की 6, 5 की 5 और 3 की 3 हम टाइप करेंगे। यहाँ हमारे 7 है और यहाँ भी 7 है, जब हम 7 से 7 को माइनस करेंगे तो हमारी कोई डिजिट नहीं बचेगी, यानी जितने थे हमारे उतने ही कट गए, तो यहाँ पे क्या आ गया 0। आंसर आया हमारा
सिक्स फाइव थ्री। अब इसको हम प्लस करके चेक करेंगे कैसे। पहले हम जो हमारा सब्ट्रैक्ट का आंसर आया है उसको हम लिखेंगे जीरो फाइव थ्री। बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा आंसर आया जीरो सिक्स फाइव थ्री, तो इसमें आंसर आया हमारा 653, यानी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहां हम अगर जीरो नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्योंकि जीरो की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो लिखने से तो बेनिफिट भी नहीं। जब वो स्टार्टिंग में हो, ऐसा नहीं है बीच में हो तो हमें लिखना होता है, लेकिन यहाँ हमारी स्टार्टिंग में जीरो आई है। जब स्टार्टिंग में जीरो होती है तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो थाउजेंड में ना आके हंड्रेड में आया, क्योंकि जीरो थाउजेंड नहीं करेंगे हम, ये कोई डिजिट इसकी वैल्यू नहीं है। 653 है तो हम यहाँ लिखेंगे 653, और सब्ट्रैक्ट की छोटी डिजिट कौन सी है 7000, ठीक है। ये 7653 है और ये ओनली 7000 है, तो ऐड के लिए हम क्या लिखेंगे 7000। इसको हमें प्लस करना है, थ्री और जीरो को प्लस किया तो थ्री आया, फाइव और जीरो, जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है तो 5 एंड 6 की 6 और 7 की 7, क्योंकि यहां भी कोई डिजिट नहीं है। तो कितने हो गए यहां पे 7653, और ये सब्ट्रैक्ट बड़ी डिजिट भी हमारी क्या है 7653, यानी कि इस ऐड करके चेक करके हमने ये पता कर लिया कि हमारा जो सब्ट्रैक्ट का आंसर आया है वो राइट है। गॉट इट, यानी चेक करने पे जो आंसर, वो प्लस करने पे जो आंसर आता है और वो सब्ट्रैक्ट की बड़ी डिजिट से मैच होता है, तो समझ लीजिए कि हमारा सब्ट्रैक्ट का आंसर सही है। गॉट इट। अब करेंगे हम क्वेश्चन बी। बी में हमारा 9500 और 2557, ये भी हमारे 1110 और 1, इसको हमें माइनस करेंगे। बच्चों हमने आपको कैरी वाले सम्स पहले भी कराए हैं, उसी तरीके से पहले हम इसको माइनस करेंगे कैरी लेके। देखिए जीरो है, हम जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो जीरो से सेवन माइनस नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। अब यहाँ भी जीरो है तो यहाँ भी हम जीरो से कैरी ले नहीं सकते, तो इसलिए पहले इस जीरो के लिए हम फाइव से कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे हमारे 10, और इस 10 से हम इस जीरो के लिए जब कैरी लेंगे तो यहाँ हो गया हमारा 10। 10 में से 7 माइनस किए हमने तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 4, आंसर आया हमारा 3। 7 में से वो 10 में से 7 माइनस किए तो 3 आए। अब यहाँ पे हमने 10 किया था तो यहाँ 1 कैरी ले लिया था, जब हमने यहाँ 1 कैरी ले लिया तो यहाँ पे 10 में से 1 कैरी ले लिया तो कितने रह गए यहाँ पे 9, कितने रह गए बच्चों 9, आपको दिख रहा है यहाँ 9 रह जाएंगे, तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4। यहाँ 5 से हमने 0 के लिए कैरी लिया था, जब हम 5 में से 1 कैरी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे कितने रह जाएंगे 4, और 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे 4 के लिए 9 से कैरी लेंगे। 9 से जब हम कैरी लेंगे तो यहाँ हो गया हमारा 14, कितने हो गए
14, और 14 में से 5 माइनस किए तो हमारी यहाँ आंसर आया 9। गॉट इट? यहाँ हमने 1 कैरी 4 के लिए ली थी 9 से, जब 9 से हमने 1 कैरी ली तो 9 में से हम 1 कैरी को माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे यहाँ पे 8, यानी 9 में से 1 को काटेंगे तो 1 8 रह जाएंगे, और 8 में से 2 को माइनस करेंगे अब हम, तो 8 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया 6। गॉट इट? अब ये हमारा सबट्रैक्ट का आंसर आ गया, अब इसको हम ऐड करके, ऐड यानी एडिशन वो प्लस करके चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम सबट्रैक्ट का आंसर यानी की डिजिट लिखेंगे 6943, और मैंने पहले भी बताया कि फिर सबट्रैक्ट की छोटी डिजिट लिखेंगे, ये 9000 की है और ये 2000 की है, यानी कि ये हमारी डिजिट छोटी है 9500 और ये 2557, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2557, इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर देखिए 3 और 7 10, 10 की 0, 10 की 0 और 1 कैरी, 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 की 0, 1 कैरी, 9 और 5 14, 14 में 1 कैरी प्लस किया तो 15, 15 की 5 और 1 यहाँ पे हमने कैरी लगाई, 6 और 2 कितने हुए 8, 8 में 1 कैरी प्लस किया तो हो गए 9, आंसर क्या आया 9500। हमारे यहाँ सबट्रैक्ट की जो बड़ी डिजिट है वो क्या है 9500, यानी कि सबट्रैक्ट का जो आंसर है हमारा वो राइट है। प्लस करके जब हमने चेक किया तो प्लस करके जो आंसर आया वही डिजिट हमारी सबट्रैक्ट की बड़ी वाली डिजिट से मैच हो रही है, इसका मतलब हमारा सबट्रैक्ट का जो आंसर है वो राइट है। गॉट इट? तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया ना अच्छे से? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, सम्स दूंगी, जिनको आपको खुद से ही नोटबुक में करने हैं और बुक में फिल करने हैं, आपको उसमें मालूम भी पड़ जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। मेथड आपको मैंने आपको अच्छे से बताई दिया, उसी तरीके से हम कुछ सम्स करेंगे। तो ये मैं आपको होमवर्क है आज का आपका, सी क्वेश्चन नंबर सी है, 7000 माइनस 5843, और डी है आपका क्वेश्चन 8202 माइनस 4575। ये आपके दो सम्स है, एक ये और एक ये, इन दोनों को जो मेथड मैंने आपको अभी बताया है उस मेथड से सॉल्व करना है। पहले आपको ऐड कर माइनस करने हैं, फिर उसके आंसर को चेक करने के लिए इनको प्लस करना है। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका होमवर्क होगा, होमवर्क है डू क्लास, ओके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।